ये है कि वो गमछा इतना बड़ा, वो ऐसा रंग का गमछा रखते ही नहीं थे, और ना उनको कोई शौक था गमछा रखने के लिए। वो तो वैसे एक सिर्फ साफा ही बांधते थे। ऐसा नहीं कर सकते हमारे भाई साहब, उनको किसी ने उकसा दिया या उनकी किसी की साजिश थी, वो ऐसा नहीं कर सकते। आज भी हमारा सबका यही कहना है। ये राजस्थान का कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता है, ये हमारा इतिहास गवाह है। सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, प्राकृतिक आपदाओं से लड़के भी वो पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, वो अन्नदाता होता है। लेकिन ये घटना आश्चर्यजनक घटना है। तो मुद्दा आज ये है कि जो किसान मजबूत हुआ करता था, दरअसल वो टूट क्यों रहा है, लगातार आत्महत्याएं क्यों कर रहा है। राजकुमार जी, आपके साथ में लौटना चाहूंगा। शायद कृषि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें उत्पाद जो है वो किसान करता है, और उसका कितने में खरीद होगी ये सरकार तय करती है। क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, और क्या वाकई में लाभांश के साथ एक ऐसी वैल्यू यहां पर क्रिएट की जाए जिससे कि किसान को भी फायदा हो? क्योंकि आंकड़े जो हमने बताए, पिछले 45 साल में सिर्फ इजाफा 19 गुना का हुआ है, जबकि कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनमें 500 गुना से 1000 गुना तक इजाफा हो चुका है, और महंगाई भी लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों के मुद्दे पे अभी भी आप स्टूडियो में भी देख रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं ये केवल और केवल नूरा कुश्ती की तरफ, राजनीति करने की तरफ ध्यान देते हैं, चाहे राज बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना माल उत्पाद करता है, उसके बाद बेचने जाता है, वो आदमी उसमें अपना लाभांश जोड़कर उस चीज़ को विक्रय करता है जी। लेकिन यह ऐसी स्थिति है कि दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी किसान के जो फसल पैदा होती है वो उसका मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता है। जहाँ तक सरकार की बात मैं आपको अवगत कराऊँ, सत्ता जब तक नहीं आती है तब तक सब लोग किसानों की बात करते हैं। क्या दिल्ली सरकार विजेंद्र की हत्या के बाद ही 10 लाख उनको देना था? क्या 2 लाख रुपए कांग्रेस ने दिए और बीजेपी ने 4 लाख रुपए दिए? उधर कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान का किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश और देश की मीडिया कह रही है राजस्थान में 45 किसान मर गए। इस तरीके के वक्तव्य जो हैं वो गलत हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा कि विधानसभा को आज़ादी के बाद पहली बार चलती विधानसभा को स्थगित करके और सभी MLA को अपने क्षेत्र में भिजवाया गया। विजेंद्र जी, एक MLA के क्षेत्र में 200 के आसपास गांव होते हैं, एक MLA प्रत्येक गांव का नाम भी नहीं ले सकता। वहां भिजवाना चाहिए संबंधित कलेक्टर को, संबंधित तहसीलदार को, संबंधित SDO को, संबंधित पटवारी को, संबंधित गिरदावर वगैरह जो अन्य साथी हैं उन जो पूरी टीम है उसको, और फिर आकलन करके तत्काल मुआवजा देना चाहिए था। लेकिन आकलन के लिए जो गिरदावरी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार होती है उसके अंदर भी त्रुटियां नजर आ जाती हैं। बद्री जी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, क्या वाकई में वही किसान की कमर तोड़ रहा है? क्योंकि जो लागत आ रही है, MLA जी को वक्त ही नहीं हुई जो MLA वहां कह के आए थे। मैं अपनी बात पूरी कर दूं विजेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन का जो सिस्टम है बिल्कुल लचीला है, बेरुखा है। 25 पैसे, 500 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए के चेक बन रहे हैं। किस तरीके की ये लोग जो कर्मचारी हैं, कृषि का जो कार्य देख रहे हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ शर्मिंदगी की बात है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर तय किया जाता है, क्या कमर तोड़ने का काम सबसे पहले किसान की वही करता है? क्योंकि लागत ज्यादा आती है और मुनाफा होता नहीं। सरकारों को अपने खाद्य सुरक्षा की चिंता है, देश की जनता भूखी नहीं मरे, उनका पेट सबका भरे जी, हर बच्चे को दूध और अनाज मिले। अब वो सरकार अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट कर रही है किसान के ऊपर, अर्थात बाजार में वो सस्ता मिल जाए तो सब अपना पेट भर लेंगे। व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो चाहे रसद की दुकानों के माध्यम से दे, चाहे 1 रुपये 2 रुपये किलो में दे, चाहे फ्री में दे जी। इसलिए वो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी किसानों के ऊपर, वो उसका भाव नहीं बढ़ने देगी, चाहे वो दूध होगा, चाहे दाल होगी, चाहे वो अनाज होगा, और चाहे वो इसकी वजह से आत्महत्या यहाँ पर करने को मजबूर हो जाए, चाहे घाटा हो। बीकानेर से कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, इंद्र ओझा जी। इंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सोलंकी साहब, मेरे मुझे रामनारायण जी मीणा साहब से एक बात कहनी है, एक बात राजेश साहब से कहनी है जी। मीणा साहब, देखिए मैं भी जानता हूँ राजनीति मुद्दों पे होती है, लेकिन ये जो इश्यू है इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी किसान की देसी है ये प्रमाण पत्र शायद आपने खुद ने अपने आप ही ले लिया। दूसरा, मैं दादी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत संवेदनशील है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत इस घटना से दुखी है, तो दादी साहब ऐसा करें, सरकार से निवेदन करें आप कि नियमों में थोड़ा संशोधन करके सॉर्ट करें इसको,
और संक्षिप्त करके और डायरेक्ट सब चीजें सिर्फ ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुआवजे को भी ऑनलाइन कर दीजिए। डायरेक्ट किसान के खेत में जाइए, डीएम साहब को साथ में लेके, तहसीलदार जी को लेके, गिरदार को, वही गिरदारी हो जाए और वही मुआवजा किसानों को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था दादी साहब क्या हो सकती है क्या? चलिए इंद्र जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी आपके पास मैं आऊंगा, और आपने क्योंकि ये कहा कि राजनीति मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा क्या हुआ कि 45 मौतों के बाद राहुल गांधी जैसे ही गजेंद्र वहां पर मरते हैं, ना कोई रिपोर्ट ना कोई जानकारी, तुरंत 2 लाख की घोषणा, क्यों? देखिए ये प्रश्न नहीं है, यदि कोई आदमी अगर कोई सवाल कांग्रेस पर उठे तो प्रश्न ये है, किसी की मौत होती है तो दुश्मन भी है तो उसकी दगन में जाने का रिवाज हमारी संस्कृति की बात है, इसलिए कोई दुख है वहाँ गए, वहाँ मुख्यमंत्री भी जाती स्वागत है, क्यों नहीं गए? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है, वहाँ से पूरा मीडिया कवर होता है, प्रश्न ये है, ऐसी घटनाओं में आज दिन तक देश राजस्थान में तो ये परिपाटी रही है कि वहाँ का मुख्यमंत्री गया है, इसलिए मैं उस पर राजनीति में नहीं आना चाहता कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए ऐसी घटनाओं में, माफ़ करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मंत्री जा रहे हैं और मीडिया के पीछे हंस करके कहते हैं कि अब वो क्यों लटके पेट से, इस तरह की बातें और आप पता कर लीजिए, इसलिए ऐसी जो स्थितियां बन रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कहने के बजाय कि हम ध्यान देंगे, कोई ना कोई पैकेज, एक भी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया वहाँ 30% है तो जबकि खराबा ज्यादा है, राजस्थान में एक भी कर्मचारी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन लिया गया? आपके सचिन अभी आप कहते हो अशोक गहलोत मेरा नहीं दोसा जाते हैं, सुनिए पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन अलवर नहीं जाते हैं, भरतपुर नहीं जाते हैं, टोंक नहीं जाते हैं, और आप कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं तो ये कहता हूँ जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी शासन की होती है, शासन जो भी करे उसकी जिम्मेदारी क्या है ऑर्डर्स वही करेंगे, देखिए माफ़ करना वही अमेंड करेंगे, जब किसान की जमीन लेने का एक माहौल बना है देश में कि उपजाऊ जमीन भी लेंगे, किसान को मुआवजा भी कम देंगे, पहले वो कोर्ट में जा सकता था अब नहीं जा सकता, ये माहौल जो बना है उस माहौल को ख़त्म करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि आज स्पेसिफिक घोषणा करनी चाहिए कि ऐसे इलाकों में जहां जहां गिरदावरी गलत घोषणा की ना 33% खराबी तक उसको लेके आ गए, जो तो कि आपने 50% किए थे, डेढ़ गुना मुआवजा बढ़ा दिया गया, 25% रामनारायण जी 25% रामनारायण जी अब किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, ये मैं इसमें पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन बार बार जब मुद्दा आता है कि अगर राहुल गांधी कोई चीज कर रहे हैं तो कांग्रेस नहीं कर रही है, अब यहाँ हम अगर बात करें तो पिछले 65 साल में किसने राज किया, ये बीमारी कोई आज एक दिन में तो पैदा हुई नहीं है, इतने आदमी 65 साल में किसने राज किया राजस्थान में, कभी इतने आदमी नहीं मरे, मैं कह रहा हूं आज जो शासन कर रहे हैं, आज जो शासन कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, मैं तो कहता हूं, मैं कह रहा हूं केवल कहने से केवल कहने का प्रश्न नहीं इसमें, अगर किसान मर रहा है और आपको मैं कह रहा हूँ राजस्थान में आपको लगता है सवाल तो फिर यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्योंकि सरकार आपकी दोनों जगह है, अगर गजेंद्र को 4 लाख दिए जा सकते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं, और सबसे बड़ी बात ये आपके पास में नियम बदलने की ताकत है, आप नियमों को बदलते क्यों नहीं? भीलवाड़ा से कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जी, अनिल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार अनिल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, विजेंद्र कुमार ने जिस प्रकार से सर वहाँ फांसी लगाई दिल्ली में जी, गजेंद्र ने तो वो कह कि उसकी जिंदगी की जंग हार गया सर, बेवजह दिल पर बहुत ना भारी रखी है, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए, इस जंग को विजेंद्र हार गया सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरा सवाल है सर इन लोगों से, गजेंद्र विजेंद्र मरा सर वो तो उसने राजस्थान की आन बान और शान के लिए क्या किसानों की आवाज, किसानों की तरफ उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए मजबूर हो रहा है उनको बदला जाएगा या फिर सियासी पैकेज देकर चेक बांट कर आगे इतिश्री कर ली जाएगी और आगे जब होगा एक बार फिर से वही सियासत का दौर शुरू हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ और ब्रेक के बाद सवाल ये कि जब तमाम तरीके की सैकड़ों तरीके की सब्सिडी सरकार दे सकती है तो किसानों के लिए एक सब्सिडी अलग से क्यों नहीं होती कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा मिले ताकि उसको मुनाफा हो और वो इस सिचुएशन तक ना हो, और उसके अलावा फसल बीमा योजनाओं या सीआरएफ के नॉर्म्स हो उनके अंदर बदलाव क्यों नहीं किया जाता, हर बार सियासत क्यों होती है? छोटे से बैठे सब हमारे किसानों के पैसे काट लिए जाते हैं कि आपकी बीमा के पैसे जमा है, इस तरह की धांधली हो रही है और ना तो उसका समय पर भुगतान होता है और ना माकूल भुगतान होता है, तो ये एक किसानों का इसमें बिल्कुल ढकोसला है, बीमा के नाम पर किसी तरह की कोई राहत किसान अगर मांगे तो नहीं मिलती है और ना ही सही तरीके से की जाती है, ये सब खिलवाड़ है किसानों के साथ, ये सब वोट बैंक जो कोई भी सत्ता हो कोई भी सरकार हो
लेकिन किसानों को यूज लेते हैं, ये बात उनकी सरकार की कतई ही जायज नहीं है। तो आज हमने बिग फाइट में सवाल पूछा था कि क्या किसान के साथ धोखा हो रहा है। जवाब क्या है जरा देखिए। 87% लोग कहते हैं कि हाँ किसानों के साथ धोखा हो रहा है और 13% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं। यानी कि एक जो बड़ी आवाम है वो ये मानती है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। मुकेश जी, आपसे रिएक्शन में चाहूंगा। आवाम भी ये कहती है कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है और ये सच्चाई है, अब बदलते क्यों नहीं? मैंने विजेंद्र जी शुरू में ही कहा, वापस दोहरा रहा हूँ उस बात को कि हिंदुस्तान की 65 साल की आज़ादी के बाद भी जिन मुकेश जी मेरे पास वक्त की कमी है, अब सरकार आपकी है, सरकार 2015 है, मैं 1947 को पीछे छोड़ते हैं। मैं विजेंद्र जी ये कह रहा हूं 65 साल एक आप बीमा कंपनी से क्या यहां पर की है, आपने बताया आज इसको तुरंत रोका जाए, उसके लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ना, सरकार ने परिवर्तन किया है, देश के प्रधानमंत्री ने कल ही कहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की जो भी समस्या है, बीमा कंपनी के नियम क्यों नहीं बदल, जब खाते से पैसा कटता है पहले त्रुटि ठीक कर दो। जब मुकेश जी जब प्रदेश के अंदर सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है, निजी कंपनी की ले सकती है बीमा की, तो प्रदेश के अंदर क्यों नहीं, जबकि 2000 करोड़ हर साल बीमा कंपनियां फायदा उठा रही है। बीमे की बात है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, सरकार के ध्यान में प्रसंग ज्ञान में है विषय, निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, वो कर ही दें तो मरने। राजकुमार जी, आपसे एक छोटी सी रिएक्शन मैं यहां पर चाहूंगा, क्या ये सिर्फ सियासी मुद्दा है, जमीन पर आते ही संजीदगी खत्म हो जाती है? विजेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वास्तविकता यह है कि ये मुद्दा जो है ये पार्टियों की आपसी उलझन में अटक जाता है जी। बाकी आप देखिए कि रोज आज का भी कोई आंकड़ा आपके पास होगा राजस्थान में, किसान टोंक में मर गया ना राजकुमार जी, किसान जो टूट रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या वो नियम जो सरकार ने बना दिए? चित्तरलाल मर गया। इंद्र जी मैं निवेदन कर दूं आपको, नियम और सरकार दोनों दोषी हैं। कारण यह है कि नियम कौन बनाता है, सरकार जी, और सरकार नियम बनाती है उसमें संशोधन भी कर सकती है। और पिछले 15 से 20 दिन से ऐसा शायद भी कोई दिन नहीं गया जिस दिन किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की हो, कल भी की है, आज भी की है, शायद ऐसा सिलसिला लगातार चलता रहेगा। शरद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किसानों को आत्महत्या से रोका जा सकता है, उनको एक बार फिर से मजबूत किया जा सकता है, क्या क्या बदलाव होने चाहिए जो कि क्विक होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए? विजेंद्र जी पहले तो मैं कहूंगा, एक न्यूनतम एमएसपी की बात की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के मैंडेट में था, घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार अगर आई राज्य और केंद्र में तो हम जो किसान की लागत है उसमें 50% लाभांश जोड़ते हुए किसान का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। जब सरकार को 1 साल हो गया उन्होंने घोषित नहीं किया, एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, उसके बाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि हम ये नहीं कर सकते। ये संवेदनशीलता है, मतलब कि आप देखिए केंद्र और राज्य सरकार की किसानों के मुद्दे पर, किसानों की आत्महत्या हो रही है, नियम में संशोधन की बात तो आप भूल जाइए। आज हरियाणा है, हरियाणा ने SDRF में मतलब संशोधन कर लिया, NDRF में संशोधन नहीं हो रहा है, SDRF में करके उनको भारी भरकम मुआवजा और राहत किसानों को दी जा रही है। MP में आप देखिए भाजपा की सरकार है, 15,000 करोड़ रुपए 2 साल में वहां पर मुआवजा दिया गया है MP की गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान में सिर्फ फसल खराबे पे मुआवजा दिया जाता है, MP में आपके फलदार पौधे हों, पेड़ हों या और भी कोई भी जो दूसरी उपज है अगर उसका नुकसान होता है तो वो भी राहत पैकेज में आती है, उसका भी मुआवजा दिया जाता है। और आपको बता दूं 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि अगर किसी किसान के पास में है और उसमें फसल खराब हुआ है तो MP गवर्नमेंट वहाँ राहत देती है, जबकि राजस्थान में ये चीज़ नहीं है। तो आमूलचूल परिवर्तन करने की बात तो यह है कि सरकार को जो SDRF जिसके उसके अधीन आता है उसमें संशोधन किया जाए, उसमें किसान को राहत प्रदान की जाए, 2 हेक्टेयर तक का जो बैरियर है उसको हटाया जाए, क्योंकि प्रदेश में 14% किसान नहीं है, 86% किसान बदला जाए ताकि किसानों को फायदा यहाँ पर। बद्री जी आप किसान नेता हैं, किसान देश को मजबूत करता है लेकिन उसकी आवाज सबसे कमजोर है, आप आवाज उठाते क्यों नहीं, नियमों के खिलाफ क्यों नहीं आते? वास्तव में इसके लिए किसान को संगठित होना बहुत जरूरी है,
किसान खेत खेत में बिखरा हुआ है, लेकिन भारतीय किसान संघ किसानों की ग्राम समितियां बना करके और उनको एक नेटवर्क के साथ जोड़ने में तैयारी कर रहा है। आज इस समय जब बिजली की दरें बढ़ा दी, यानी जिस फरवरी मार्च के महीने में और नए बिल आए डबल राशि के जी, जबकि उस समय तो उसको माफ करने की जरूरत थी, आज 150 रुपये बोनस की बचत हुई है राज्य सरकार को इस बार जी। ये 150 रुपये क्विंटल को अगर मान लो इस समय राहत के रूप में बांट देती, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज मात्र वो दे रहे हैं। बाकी मंत्री रामनारायण जी, आपसे एक बहुत छोटी सी रिएक्शन चाहूंगा, सियासत से इतर मैं आपसे पूछता हूं, नियमों को बदलने के लिए प्रेशर क्या कांग्रेस विधानसभा में बनाएगी? देखिए मैं दो बात अर्ज करूंगा। पहली बात, किसान संघ बीजेपी संबंधित है, किससे है, ये क्या करवा सकते हैं सरकार से, वो बाद में नहीं जानना चाहता। मैं तो एक बात कहता हूँ, आज यदि देश का प्रधानमंत्री कोई नोटिफिकेशन निकाल के करते हैं कि जो CRF के जो बैंस हैं उनको खत्म करते हैं और बीमा कंपनीज देगी, कोई क्षतिपूर्ति होगी तो भारत सरकार देगी, कल ही किसान आत्महत्या करने। चलिए आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जरा विडंबना देखिए कि UPA के 2 कार्यकाल के अंदर CRF के नॉर्म्स बने और आज रामनारायण जी कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार उनको बदलना चाहे तो तुरंत बदल दे। उस दौरान किस सोच के साथ इनको बनाया गया समस्या पर है, लेकिन किसानों के लिए जमीन जिससे वो उगाता है वो अग्निपथ बन चुका है।